डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जल्दी आपके लिए सरप्राइज आएगा, तो आप तैयार रहना। ओके, फिर मुझे ये मत कहना कि मैम हमने तो पता ही नहीं था कि आप ऐसा भी कर देंगी। तैयार रहिए, वीडियो ध्यान से देखिए, अपने आप सरप्राइज को आप उससे निपट पाएंगे। तारीख आज है 17 नवंबर 2018। ये कोर्सेज हैं जो पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस ऑफर करता है, ऑनलाइन कोर्सेज। इस तरफ एसएससी सीजीएल के लिए जो कोर्सेज हैं वो दिए गए हैं, और इस ओर एचसीएस यूपीएससी आरएएस वगैरह की भी जो हम तैयारी कराते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए। और अब मैं आपको ले आई हूँ क्विज पर। ओके, जो क्विज के क्वेश्चन पूछे थे, हाल ही में जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है उसने किस राज्य सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? ये जुर्माना लगा है पंजाब पर। ओके, दूसरा प्रश्न, लार्जेस्ट सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका क्या है? दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जोहान्सबर्ग। तीन राजधानियां हैं, ये सबसे बड़ा शहर है परंतु राजधानी नहीं है, विचित्र बात है। फिर है कांग्रेस के 1929 ओके 1929 सत्र के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये आपसे तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम चलते हैं आगे। पहला प्रश्न, हाल ही में अर्जेंटीना में जो वर्ल्ड किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वर्ण पदक जीतने वाले एक 15 वर्षीय कश्मीर के लड़के हैं, देखो कितनी अच्छी खबर। ओके, नाम है उनका आबिद हामिद। ये देखो, ये तस्वीर है आबिद हामिद की। आबिद हामिद ने गोल्ड मेडल जीता, 15 वर्ष के हैं ये। ओके, ये जो किक बॉक्सिंग हुई, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग, ये अर्जेंटीना में हुई है, और ये इकलौते हैं जिन्होंने पूरी जो भारतीय टीम थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, 9 मेंबर टीम वहां पर गई थी और इन्होंने गोल्ड जीता है। और अब क्योंकि ये जो प्रतियोगिता है ये हुई है अर्जेंटीना में, मैं आपको मैप में अर्जेंटीना दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, दिस इज अर्जेंटीना। महत्वपूर्ण घटनाओं को आज मैंने आपके लिए पहले से ही मार्क कर दिया है। ठीक है, ये अर्जेंटीना है हमारा, एरो से दिखाया गया है आपको। अब अर्जेंटीना जो है उसकी राजधानी ये देखो ब्यूनस एरेस है। ब्यूनस एरेस, यहां पर नेशनल लैंग्वेज स्पैनिश है। फेडरल प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है यहां पर। प्रेसिडेंट है मोरिको मैक्री और वाइस प्रेसिडेंट गैब्रियला मिचेटी है। ठीक है, करेंसी क्या है वहां पर? करेंसी जो है वो है पेसो। पेसो इज द करेंसी ऑफ साउथ अमेरिका। बड़ा सा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। ब्राजील वहां पर सबसे बड़ा देश है, इतना बड़ा है कि सारे कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक्सेप्ट फॉर इक्वेडोर एंड एक्सेप्ट फॉर चिली। इन दो कंट्रीज के अलावा बाकी सबके साथ ये बॉर्डर शेयर करेगा, आपको ये भी याद करना है। साथ ही आपको ये भी याद करना है कि दो कंट्रीज के साथ तो ब्राजील बॉर्डर शेयर नहीं करता, और दो ही ऐसे देश हैं जिनकी तटीय रेखा नहीं है। ठीक है ना, और वो देश कौन से हैं? वो है बोलिविया और वो है पराग्वे। ओके, तो ये थी जानकारी अर्जेंटीना के बारे में। यहाँ पर कोस्ट लाइन की बात आई, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ वो कौन सा देश है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, वो भारत का कौन सा राज्य है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, और दक्षिण भारत के राज्यों में किस राज्य की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है। ठीक है, तो ये आंसर आप मुझे दे दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने इंग्लिश और मैथ्स के लिए आपके एसएससी सीजीएल के लिए लॉन्च किया है अब की बार नया पार, जिसको हम केबीएल सीरीज भी कह रहे हैं, कौन बनेगा लखपति। इसमें क्या होगा कि रोज हमारी वेबसाइट पर इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस डाले जाएंगे, उसी प्रकार से मैथ्स के भी क्वेश्चन डाले जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये टुवर्ड्स द डिफिकल्ट साइड होंगे, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, रेलेवेंट होंगे ये। ओके, आप उनको वहां पर सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद 14 नवंबर से रोज रात को मंडे टू फ्राइडे 9 बजे मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इंग्लिश के उन 25 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन। सिमिलरली मैथ्स की जो सीरीज है वो भी पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है। मंडे टू फ्राइडे मैथ्स का वीडियो आएगा सुबह 11 बजे, लेकिन अगर आपको इन चीज़ों का भरपूर फायदा उठाना है तो आपको पहले जाकर वेबसाइट पर सॉल्व करना होगा, तभी आप जान सकेंगे आप एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करते हैं। 16 नवंबर से जो मैथ्स के वीडियोज़ हैं वो हैं, और 14 से जो इंग्लिश के वीडियोज़ हैं वो हैं। इंग्लिश के वीडियोज़ रात को 9 बजे और मैथ्स के सुबह 11। क्वेश्चन 2 पर, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 5 साल के कैंसर शोध पर सहयोग करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह हस्ताक्षर हमने किए हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ। आंसर क्या होगा? आंसर जो है वो यूके है। भारत का
भारत की ओर से जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ये हस्ताक्षर किए हैं कैंसर रिसर्च यूनाइटेड किंगडम के साथ। ओके, इससे रिलेटेड आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, आपको तस्वीर में नजर आएगा इंडिया यूके कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारा यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एटसेट्रा। अब मैं काफी बार आपको यूनाइटेड किंगडम के बारे में बता चुकी हूँ, आज आपको मैप नहीं दिखाती हूँ बल्कि आपसे बदले में पूछ रही हूँ कि आप मुझे उन कंट्रीज के नाम बताइए जो मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं यूनाइटेड किंगडम। ओके, चलिए आगे। तीसरा प्रश्न, उस रेलगाड़ी का नाम क्या है जिसे हाल ही में सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हिंदू महाकाव्य से संबंधित प्रमुख स्थानों की यात्रा करने के लिए झंडा दिखाकर भेज दिया गया, मतलब कि वो रेलगाड़ी जो है वो चली है। तो ये जो रेलगाड़ी चली है इसका नाम क्या है आपको ये बताना है, और रेलगाड़ी का नाम भी बड़ा अप्रोप्रिएट है, श्री रामायण एक्सप्रेस। ठीक है, ये है इस रेलगाड़ी का नाम, तो आंसर होगा यहाँ पर सी। और ये भारत के जो प्रमुख धार्मिक स्थान है रामायण से संबंधित, उन सबको ये विजिट करेगी, एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है। ओके, रामायण सर्किट पर ये जाएगी, मेजर स्पॉट्स को ये विजिट करेगी, और ये जो ट्रेन है ये अपनी जो जर्नी है 16 दिनों में पूरी करेगी, ये रामेश्वरम तमिलनाडु तक, वहां तक ये जाकर आएगी। ओके, और श्री राम के जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर जाएगी। आपको ट्रेन की तस्वीर दिखा देती हूं, ये देखो ये है ट्रेन, और यहाँ पर पिक्चर वगैरह देखो, श्री रामायण एक्सप्रेस कहाँ कहाँ जाएगी, मदुरै, रामेश्वरम, हम्पी, नासिक, चित्रकूट, प्रयागराज, ये सारे लिखे हुए हैं। प्रयागराज ये किसका नया नाम है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वाराणसी वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये थी इस ट्रेन की तस्वीर, अब हम चलते हैं आगे। प्रश्न चार में पूछा गया है आपसे कि IEA रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 2030 से पहले बिजली क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जक में कौन सा स्थान होगा भारत का, ये पूछा गया है। तो आंसर जो है यहाँ पर भारत का स्थान जो है वो दूसरा होगा, जो यहाँ ये IEA है, IEA है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ओके, उसने जो लेटेस्ट रिपोर्ट दी है, ओके, ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार क्या है, भारत जो है वो US को ओवरटेक कर लेगा और सेकंड बिगेस्ट एमिटर बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 2030 से पहले, ठीक है, और चाइना जो है, चाइना बिगेस्ट एमिटर आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ये था हमारा प्रश्न चार। प्रश्न पांच में दो भारतीय प्लेयर, ठीक है, ICC की ODI रैंकिंग में भारत के कौन से दो खिलाड़ी जो हैं वो शीर्ष पद पर बने हुए, ये रैंकिंग्स अक्सर आती रहती हैं, तो आपको उन दो खिलाड़ियों के नाम बताने हैं जो सबसे ऊपर हैं। आंसर है विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, ठीक है। अब विराट कोहली तो आपको पता है ये हमारी टीम के कैप्टन है, ठीक है, और ये जो है ये नंबर वन पोजिशन पर बने हुए हैं ODI बैट्समैन की रैंकिंग में, और इनके 899 पॉइंट्स हैं। और जो जसप्रीत बुमराह हैं ये जो एक बॉलर हैं, और ये बॉलर्स की रैंकिंग में जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है उसमें ये नंबर वन पोजीशन पर हैं। भारत के जो शिखर धवन हैं वो थर्ड इंडियन हैं इन द टॉप 10 लिस्ट। ओके, तो आंसर यहां पर क्या है, आंसर यहां पर बी है। ओके, तस्वीर भी देख लो, हमारे दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के साथ, यहां पर आपको तस्वीर दिखाई। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है आपसे कि हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ओके, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, और ऐसा कहा जाता है कि ये भारत का वो हाई कोर्ट भी है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस जो है वो पेंडिंग है। ओके, सबसे ज्यादा केसेस भी यहीं दायर किए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, इस तरह की जानकारी भी कहीं कहीं मिल जाती है, अब उसमें कितनी सच्चाई होती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ही आपको बता दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, आंसर है यहाँ पर जस्टिस गोविंद माथुर। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर इसमें बी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस गोविंद माथुर, इन्होंने शपथ ली है, और जो वहां पर गवर्नर है राम नायक जी, उन्होंने शपथ दिलाई। इससे पहले जस्टिस गोविंद माथुर जो हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट के साथ जुड़े हुए थे, फिर 2017 में वो ट्रांसफर होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट आए थे। तो ये था प्रश्न 6। तस्वीर देखिए, आपको तस्वीर दिखाते हैं जस्टिस गोविंद माथुर की, और यहाँ पर वो शपथ ले रहे हैं, और जो गवर्नर है वो शपथ दिला रहे हैं। अब मैं आपको यूपी दिखा देती हूँ मैप में, ये है उत्तर प्रदेश, राजधानी यहाँ पर लखनऊ,
टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में। साइज की बात की जाए तो ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये नंबर वन पोजीशन पर आएगा। ओके, लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में यहाँ पर 31 सीटें हैं जो कि मैक्सिमम है। कथक यहाँ का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। दुधवा नेशनल पार्क जो है यूपी में ही लोकेटेड है और यूपी का नाम यूपी से पहले यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। ये जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां प्रश्न। हाल ही में आदि महोत्सव जो त्योहार है ये किस शहर में शुरू हुआ है? ये जो त्योहार है ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है, ठीक है। ये एक फेस्टिवल है जो नई दिल्ली में शुरू हुआ है, ट्राइबल से रिलेटेड है ये। ओके, 15 दिन का ये आदि महोत्सव होगा और इसकी शुरुआत हुई है दिल्ली में। ओके, वहां पर जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं ज्वाल ओराम, उन्होंने काफी लोगों को, आर्टिस्ट वगैरह को संबोधित किया। करीब वहां पर 600 आर्टिस्ट आए हुए हैं करीबन भारत के 23 राज्यों से। और इस बार की फेस्टिवल की थीम क्या है? फेस्टिवल की थीम है सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, क्राफ्ट, क्विजीन एंड कॉमर्स। आपको तस्वीर दिखाती हूं। ओके, तस्वीर में आपको नजर आएगा, ये देखो, ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव दिल्ली हाट में। ओके, तो आप में से जो लोग दिल्ली में हैं आप विजिट कर सकते हैं, 30 नवंबर तक ये वहां पर महोत्सव है। आज दिल्ली काफी बार आ गया ना। दिल्ली देखो, हमने दिल्ली से वो रामायण एक्सप्रेस चली वो देखा, फिर ये आदि महोत्सव दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। अगला प्रश्न भी दिल्ली में ही से ही संबंधित है एक तरह से, क्योंकि दिल्ली पुलिस आ गई इसमें। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई ई लर्निंग पोर्टल का नाम बताना है। ये जो ई लर्निंग पोर्टल है इसका नाम है निपुण। बड़ा सही नाम है क्योंकि ये ई लर्निंग पोर्टल है पढ़ाई से संबंधित। दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो हैं अमूल्य पटनायक जी, उन्होंने लॉन्च किया निपुण, जो कि एक ई लर्निंग पोर्टल है। ये इम्पार्ट करेगा इन सर्विस में ट्रेनिंग टू ऑफ द पर्सनल एटसेट्रा, और साथ ही साथ ये ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के बारे में जिनको डिजाइन किया होगा एक्सपर्ट्स ने। अब इतनी बार आज दिल्ली का जिक्र आया तो ऐसा तो नहीं हो सकता हम मैप में ना देखें कि दिल्ली कहाँ है। चलो आपको मैं मैप में दिखाती हूँ दिल्ली। आगे देखो, ये है भारत की राजधानी दिल्ली। ओके, तीन तरफ से हरियाणा से सराउंडेड और एक तरफ ये उत्तर प्रदेश से सराउंडेड है। ओके, अब ये भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। यूनियन टेरिटरी बनी 1956 में, और ये एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनी 1992 में। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया। यहाँ पर डेंसिटी कितनी है? 11,312 पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर ये डेंसिटी है, ठीक है, ये यहां पर डेंसिटी है। अब आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली का पुराना नाम दिल्ली का था, इसको तोमरा डायनेस्टी ने बसाया था। बहुत सारे जो यहां पर बहुत सारे एम्पायर्स हुए उसकी ये राजधानी रही। दिल्ली में पहले और नौवे एशियन गेम्स हुए थे। पहले एशियन गेम्स हुए थे 1951 में और नौवे हुए थे 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला जो प्रश्न है हमारा, ये जो अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है उस कंपनी का नाम। ओके, आपसे पूछा गया है किस कंपनी ने चावल के भूसे को अपने उत्पादकों के लिए एक नवीनीकरण सामग्री स्रोत के लिए अपनी अब बेहतर हवा योजना की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा की है ये इस कंपनी ने की है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर जो है वो बी होगा। ये बेसिकली एक स्वीडिश होम फर्निशिंग कंपनी है और इसने कहा कि ये बेटर एयर नाव को प्लान कर रही है जिसमें जो चावल का भूसा होता है उसको न्यू रिन्यूएबल मटेरियल सोर्स में ये परिवर्तित करेंगे। आंसर इसका बी है। अंतिम प्रश्न देखते हैं। लीप और अर्पित MOS मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए दो नए कार्यक्रम जो हैं ये किस चीज से संबंधित हैं? महिला सशक्तिकरण, यंग एंटरप्रेन्योर्स, हाई एजुकेशन या गर्ल चाइल्ड? ये दोनों हायर एजुकेशन से संबंधित हैं। अगर आप लीप का और अर्पित का इन दोनों का फुल फॉर्म जानेंगे आपके मन में डाउट ही नहीं रहेगा किससे संबंधित है। लीप का जो फुल फॉर्म है वो है लीडरशिप फॉर अकेडमिशियंस प्रोग्राम, और अर्पित जो है इसका फुल फॉर्म है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो है ये संबंधित है हायर एजुकेशन से, ठीक है। ये जो लीप है ये 3 weeks फ्लैगशिप लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, और ये सेकेंड लेवल एकेडमिक फंक्शनरीज के लिए है इन पब्लिक, और ये पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए है उनमें होगा। और अर्पित जो है
ये ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, इसमें 15 लाख हायर एजुकेशन फैकल्टी यूजिंग MOCC's प्लेटफॉर्म स्वयं। तो आंसर इसका क्या है? आंसर इसका हायर एजुकेशन है। अब हमारे 10 प्रश्न हो गए हैं, मैं आपको लेकर चलती हूँ स्टैटिक जीके पर। स्टैटिक जीके में कल मैंने आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया, उनके बारे में बेसिक जानकारी दी, माता का नाम, पिता का नाम और उस तरह की, कैसे स्टूडेंट थे, कब जन्म हुआ एटसेट्रा। आज उनका जो पॉलिटिकल करियर रहा उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ, ठीक है। अब देखो, बोस जो है 1923 में इनको इलेक्ट किया गया था एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। आपसे पूछा जा सकता है कि इनको कब इलेक्ट किया था एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, तो ये आंसर है 1939 में स्ट्रेचर पर उन्होंने कांग्रेस की जो मीटिंग थी, कांग्रेस का जो एनुअल सेशन था उसको अटेंड किया था और वो वहां पर चुने भी गए थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। लेकिन गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे पिता भी सीता रमैया को, इससे पहले साल भी वो चुने गए थे। गांधी जी को उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी पसंद नहीं आई और गांधी जी ने स्पष्ट किया उनके सामने कि मुझे तुम्हारे तौर तरीके पसंद नहीं है, तुम्हारी सोच पसंद नहीं है, तो उसके बाद वो स्टेप बैक हो गए, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि 1939 का वो जो चुनाव हुआ था उसमें उनके अगेंस्ट कौन खड़ा हुआ था, तो ये आंसर है पिता भी सीता रमैया। 1939 में बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भीतर ही था। 1944 में उन्होंने आजाद हिंद रेडियो से सिंगापुर से एक संदेश दिया था जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया। ऐसे प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन किसने पहली बार कहा, तो सुभाष चंद्र बोस है, ओके? उसके बाद इनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। ये जो पुस्तक है ये पब्लिश की गई थी 1935 में। इनको प्यार से नेताजी और पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स कहते हैं। बहुत बार ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कि इनको पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स किसके द्वारा कहा जाता है, इसके बारे में बहुत जानकारी तो नहीं है, पर मैंने बहुत इंटेंसिवली अपनी टीम से सर्च कराया तो पता चला कि ये गांधी जी ने इनको नाम दिया था। इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी भी माना जाता है, ये उसके साथ जुड़े रहे आजाद हिंद फौज के साथ। इन्होंने स्लोगन दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ओके? और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में हुई थी। अब क्विज फॉर द डे पर आ गए हैं हम। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई ई लर्निंग पोर्टल का नाम बताइए। नंबर एक, ब्राजील दक्षिण अमेरिका के किन दो देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता, और सुभाष चंद्र बोस के सलाहकार, गुरु या मार्गदर्शक, जिसको या मेंटर कहते हैं, वो कौन थे, आपको उनका नाम बताना है। ये इनके भी जवाब दीजिए, जितने मैंने वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछे उनके भी जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पार्टिसिपेट कीजिए। अगर अभी तक वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किया है, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, माफी चाहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बढ़िया लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें और जहां संभव हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की मदद करो, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो। ऑल द बेस्ट, मुलाकात होगी कल, बाय बाय।